हेलो गाइस, वेलकम बैक टू गेमर्स नाइट। और हम लोग खेल रहे हैं हाउस फ्लिपर 2 का डेमो वर्जन। और जिस तरह से लास्ट वीडियो में आप लोगों ने देखा, हम लोगों ने फर्स्ट फ्लोर का सारा काम ख़त्म कर दिया है और अब हम ग्राउंड फ्लोर पे आ चुके हैं और यहाँ का काम हम अब शुरू करने वाले हैं। और अगर आप लोगों ने लास्ट वीडियो नहीं देखी, आई बटन में लिंक मिल जाएगी, जाकर जरूर देखना। और हाँ, अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करो यार, बेल आइकन को भी प्रेस कर लो, और हाँ, वीडियो को लाइक ज़रूर करना। सो अभी हम लोग यहाँ पे रेडिएटर से शुरुआत करने जा रहे हैं। रेडिएटर ब्लैक कलर का ले लेते हैं और उसके हैंडल वगैरह हम रेड कलर के ले लेंगे, क्योंकि हमारी थीम ब्लैक एंड रेड है। और अभी तो ग्राउंड फ्लोर का पूरा काम बाकी है, लेकिन हमें 2.5 स्टार मिल चुके हैं आउट ऑफ 3। सो हमारा काम तो अच्छा है, काम हमने अच्छा किया है, बिल्कुल व्यवस्थित किया है। ऊपर का रूम जो फाइनल में लास्ट में पूरे घर का वीडियो आप लोगों को दिखाऊंगा, तब देखना, काफ़ी मज़ा आएगा, बहुत ही ज़बरदस्त बना हुआ है। रेडिएटर हमने लगा दिए और अभी इस वॉल के ऊपर हम लगाएंगे टीवी और दूसरे कबाट वगैरह, और उसकी थीम तो वही रहेगी ब्लैक एंड रेड। जहाँ जहाँ हमें ऑप्शन मिलेगा ब्लैक एंड रेड का, वहाँ हम ब्लैक एंड रेड ही रखेंगे थीम। अब हैंडल तो वाइट रहेंगे हैंडल, क्योंकि वो दिखाई देंगे। और ये कबट आएगा बिल्कुल कोने में, यस, ये यहाँ पे फिट हो चुका है। एक ही लेना था हमें, अब क्या लेंगे? अच्छा, ये टीवी का केस है, टीवी का जो कैबिनेट है वो ले लेते हैं, वो भी ब्लैक एंड रेड आएगा। और पूरा ग्लॉसी लेंगे ये टेबल, हम मस्त लगेगा। इसे सही से बिठाना होगा, क्योंकि फिजूल की कोई जगह ना छूट जाए और बैठ भी जाए, जगह का पूरा यूज़ करना है हमें। अब इसे थोड़ा पीछे से सरका देते, आई थिंक तो बैठ गया है, नहीं अभी भी थोड़ा सा बचा हुआ है इसको बिल्कुल टच होने में, इसे टच ही करा देते हैं हम। ओके, ठीक है, शायद आई थिंक तो मैं बिल्कुल टच नहीं करा पाऊंगा इसे यहाँ से। हाँ, हो गया, काफ़ी करीब आके एडजस्ट करना पड़ा, अभी भी कुछ आ जाएगा, यहाँ पे जगह बची हुई है। सो क्या आ सकता है यहाँ पे? अच्छा, ये रहा, ये कैबिनेट यहाँ पे आ जाएगा, बुक केस है ये, यहाँ पे बुक्स रखते हैं, मतलब देखते हैं रेड। हाँ, रेड ले सकते हैं, ले सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा आगे से रहेगा, लेकिन ठीक है, फिट तो हो चुका है। अब हमें परचेस करना है टीवी। टीवी तो जो ऑर्डिनरी होते हैं उसी कलर का लूंगा, कुछ ज्यादा चेंजेस नहीं करना मुझे इसमें। डिटेलिंग ये अच्छी लगती है, ये ठीक है। चल बैठ जा बेटा, बैठ जा यार। अबे ये बैठ क्यों नहीं रहा? अरे यार, इसे किस तरह? अच्छा, लग गया, बिल्कुल सेंट्रल में टीवी लगा दिया है। अब टीवी के सामने आएगा हमारा सोफा, ये मस्त लग रहा है। सोफे को भी रेड लेंगे हम, रेड कलर का सोफा होगा, मस्त लगेगा। और इसकी पैटर्न ये अच्छी है, इसको थोड़ा घुमा देते हैं। और यहाँ पे थोड़ा सा एडजस्टमेंट करके मुझे रखना होगा सोफे को, जिससे कि वो जो एक रेडिएटर है वो भी इसके पीछे चला जाए और बिल्कुल टीवी के सामने रहे सोफा, कुछ इस तरह से। ठीक है, ये अगर गलत लगाया है तो मुझे ज़रूर बताना कमेंट बॉक्स में, मुझे तो ठीक ही लग रहा है।
ये सब तो किचन का सामान है, अभी यहाँ का क्या सामान है? ये सामान है, ओ ये बहुत अच्छा हुआ, टेबल लैंप एक कोने में चला गया। अभी और क्या ले सकते हैं हम लोग यहाँ पे? अच्छा ये टेबल वगैरह लेना है हमें, देखते इसमें क्या ऑप्शन मिलते हैं हमें। ये अच्छा लग रहा है टेबल, अभी इसके आसपास कुर्सियां जमा देते हैं थोड़ी बहुत। ये अच्छी नहीं लग रही, यही ठीक है, तू यहां पे आ जा, तो इस तरह से यहाँ पे लग जाएगी। और एक बची, इसे यहाँ पे सेट कर देते हैं। ओके चलो, ये भी एक एरिया हो गया है कंप्लीट। अभी ये टेबल को भी लेना है, ओके ग्लॉसी कलर में आएगा, इसे फिलहाल तो यहाँ पे रख देते हैं, बाद में अगर लगेगा ऐसा तो चेंज कर देंगे। सो मुझे लगता है कि मेन रूम का तो सारा काम खत्म हो चुका है, बहुत जबरदस्त लग रहा है और हमारे ऑलमोस्ट 3 स्टार कंप्लीट होना है। अभी किचन का काम जैसे खत्म होगा वैसे ही 3 स्टार हो जाएंगे। और किचन का काम मैं थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड कर देता हूँ, पूरे पूरा नहीं लेकिन थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड कर दूंगा, क्योंकि उसमें काफ़ी सारा मटेरियल परचेस करना है, सबके कलर थीम चेंज करनी है मुझे इसलिए। ओके सो अभी हम लोग ओवन खरीद रहे हैं यहाँ पे, काफ़ी कुछ फर्नीचर मैंने किचन में लगा दिया है जिस तरह से आप लोगों ने देखा ही होगा। अभी ओवन की थीम पसंद कर रहे हैं हम लोग, और ये भी यहाँ पे सेट हो गया, बिल्कुल परफेक्ट सेट हुआ है। किचन का काम वैसे ऑलमोस्ट ख़त्म होने को है और उसके बाद हम थोड़ा सा राउंड अप कर लेंगे एक बार पूरे हाउस का, कि अगर कुछ रह गया है तो उसे भी ख़त्म कर दे। ये थोड़ा सा मेरा एडजस्टमेंट में गड़बड़ थी, क्योंकि ओवन को कॉर्नर में रखना ठीक रहेगा, फ्रिज के बिल्कुल साथ रखना अच्छा नहीं है। चलो सारी चीज़ें कंप्लीटली लग चुकी है यहाँ पे किचन में, अभी अब हमें स्टोव लगाना है, ये भी बाकी था, इसे तो सोफे सोफे के नीचे ही लगा देंगे। ओके अबे एक आगे एक पीछे रह गया, ये अच्छा नहीं है, दोनों को साथ में रहना चाहिए, ये बढ़िया है। अभी हमें किचन के जो ऊपर लगने वाले रैक आते हैं वो सारे लगाने हैं और उन सब की कलर थीम भी सेट करनी है, तो इसे भी मैं थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड कर देता हूँ जिससे आप लोगों को देखने में भी मज़ा आएगा।
सो किचन भी ऑलमोस्ट डन हो चुका है। हम लोग ये जो इसके डोर है ये कैबिनेट के, उसे रेड रखने वाले थे, लेकिन क्रीम कलर ज़्यादा अच्छा लगा मुझे यहाँ पे। और अब बस थोड़ा बहुत सामान सजाना है यहाँ पे, और देख सकते हैं स्टार ऑलमोस्ट 3 होने आए हैं, मतलब कि किचन का काम ख़त्म होते होते तो 3 स्टार मिल जाएगी हमें। टोस्टर भी यहीं पे लगेगा और शायद एक माइक्रोवेव भी है, इसे भी यहाँ यहीं पे लगा देते हैं। ओके, अब क्या बचा है, ये मेन चूल्हा तो बची गया, स्टोव जो है हमारा मेन वो यहाँ पे लगेगा, और उसके बाजू में लगेगा क्या लगेगा, अच्छा ये डिश वॉशर, हाँ ये सिंक के बिल्कुल बाजू में ही लगेगा, वॉश करके रख दो। अब ये एक बच चुका है, इसे हम लगाएंगे यहाँ पे, नहीं 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 इसे यहाँ नहीं, इसे टीवी के ऊपर लगाएंगे। ओके सो गाइस, वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करो, बेल आइकन को जरूर प्रेस करना। बाथरूम भी कंप्लीट, सब कुछ कंप्लीट हो चुका है, लेकिन बाहर का थोड़ा बहुत काम अभी भी बचा हुआ है। लेकिन पहले एक बार देख लूँ इसे, दरवाज़ा बंद कर दूँ, ये दरवाज़ा भी बंद कर दूँ। अबे बंद हो, ठीक है, अब बाहर का जो कुछ भी काम थोड़ा बचा है उसे ख़त्म कर लेते हैं, उसे निपटा देते हैं। सेल करने का कुछ बचा रहा था, हमने शुरू में देखा था फर्स्ट वीडियो में पार्ट 1 में, वो हमें मिल नहीं रहा था, यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा था। अभी देखते हैं, यहीं कहीं होना चाहिए, कुछ ना कुछ तो बचा हुआ है जिसे हमें सेल करना है। कहाँ पे है भाई, हाँ ये रिनोवेट करना है मुझे पता है, चलो इसे रिनोवेट कर लेते पहले। ऑलमोस्ट इतने काम में हमें 3 स्टार मिल गए, क्योंकि हमारा इंटीरियर बहुत ही आला दर्जे का बना है। ठीक है, हमने टाइम थोड़ा ज़्यादा ले लिया इसमें, लेकिन मैं तो फर्स्ट टाइम खेल रहा हूँ, मुझे काफ़ी सारे ऑप्शन पता नहीं थे, फिर भी इतना अच्छा हुआ वो अच्छी बात है। पहले यहाँ जहाँ जहाँ सीमेंट लगाना है वहाँ सीमेंट लगा लेता हूँ, उसके बाद टाइल्स लगाऊंगा। अभी आई थिंक तो उसकी दूसरी साइड भी है थोड़ा बहुत रिनोवेशन है। अरे यार, एक टाइल्स के लिए रह गया, ओके। अब इसके लिए जो टाइल्स खरीदनी है वो खरीद लेते हैं, लेकिन अभी भी बता रहा है, कहीं पे कुछ छूट गया क्या, नहीं छूटा तो कुछ भी नहीं है, बस ये टाइल्स लगानी है हमें, जो कि हमें दी हुई है बस वो सेम ही लगानी है, कोई चेंजेस नहीं करना उसमें। टाइल्स लग जाने के बाद इसका काम खत्म हो जाएगा। सो अभी भी एक चीज जो हमें सेल करनी है वो हमें दिखाई नहीं दे रही, पता नहीं कहाँ होगी। खैर छोड़ दे इसे अभी, और ये देखते हैं हमारे हाउस का नज़ारा, बिल्कुल कंप्लीट काम कर दिया है, 3 स्टार मिल चुके हैं। बाहर से जो क्लीन दिख रहा है बहुत ज़बरदस्त दिख रहा है, और अभी वेदर भी बहुत मस्त है। ऑलमोस्ट हमें 1 डे और दूसरा हाफ डे हो चुका है, काफ़ी लंबा टाइम हमने काम किया, लेकिन
फाइनली हमने बिल्कुल ही ज़बरदस्त बना लिया है। अभी कुछ छुटक मुटक रह चुका होगा हाउस में, कुछ एडजस्टमेंट करने का वो मैं कर लेता हूँ। आप लोग देखिए, टूर कीजिए इस हाउस की जो मैंने अभी क्रिएट किया है। कंप्लीट फर्स्ट टाइम मैं खेला हूँ ये गेम, और ये थोड़ा सा बग है, ये फाइनल वर्जन में शायद निकल जाएंगे ये सारे बग। सो काफ़ी ज़बरदस्त लग रहा है हाउस, एंटर होते ही देखते ही ये रूम क्या कमाल का लग रहा है, बहुत ज़बरदस्त। आप लोग बताना मुझे कमेंट बॉक्स में आप लोगों को कैसा लगा। और अभी तो हमें ऊपर जाना भी बाकी है, वहाँ पे भी जाएंगे, देखेंगे, वहाँ भी बहुत बढ़िया काम हुआ है, यहाँ पे क्या ज़बरदस्त काम हुआ है। मैंने सारी किताबें जमा के रख दी है एक साइड, जिससे कि अभी बहुत ही मस्त लग रहा है हाउस। क्या रूम डेकोरेट किया है यार, तारीफ तो बनती है। और ये है हमारा बाथरूम लेटरिन एरिया, ये भी बहुत अच्छे से मैनेज कर दिया गया है, इसे बंद कर देते अभी। और ये है वॉशिंग एरिया जहाँ पे कपड़े धोए जाएंगे, और यहाँ पे बच्चों का खिलौना भी गिरा हुआ है। और ये है सू रैक का एरिया जहाँ पे सू वगैरह निकालते हैं, बहुत ज़बरदस्त है। और ये विंडो बंद कर लेते हैं, बाहर का नज़ारा काफ़ी मस्त है। ये विंडो भी हम खोल सकते हैं व्यू के लिए, ताज़ी एयर के लिए, फ्रेश एयर। और ये है हमारा बेडरूम, वाह देखते ही बनता है यार। स्पेस भी काफ़ी ज़्यादा है बेडरूम में, बेड भी अच्छे से सेट हो चुका है, सब चीज़ बिल्कुल सिस्टमेटिकली सेट हुई है। अगर कोई गलती हो गई हो, कुछ हो गया हो, तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। एक नंबर व्यू लगा मुझे तो यहाँ से, मेरे हिसाब से तो ये बहुत ही ज़बरदस्त था। आप लोग बताना आपके हिसाब से किस तरह का है ये। और इसे भी हम शायद खोल सकते हैं, ओ ये उल्टा रख दिया है मैंने, हाँ इसे ठीक कर लेता हूँ। सो ठीक है गाइस, ये गेम जब फुल वर्जन आएगी हम ज़रूर खेलेंगे इसे। आप लोगों को कैसा लगी मुझे ज़रूर बताना कमेंट बॉक्स में। मिलते हम लोग हमारे नेक्स्ट वीडियो में। सो अभी तक अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को भी लाइक ज़रूर करना, और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर लेना। मिलते हम हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।